हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण। सो आज हम न्यू यूनिट है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी। ओके, उसके पहले हमने यूनिट वन में देखा था कि इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी थ्रेड्स, यानी कि कौन कौन से सिक्योरिटी थ्रेट्स है, वो किस तरह से हमारी सिस्टम पे अटैक कर सकते हैं, इसके बारे में हमने देखा था। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी। इसके अंदर लेक्चर नंबर वन में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ सिक्योरिटी। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ सिक्योरिटी। ओके, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है, उसको ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी क्यों बोलते हैं, उसके बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज़ नेटवर्क सिक्योरिटी। तो जब भी आप अपना फ़ोन, लैपटॉप है, अपना पीसी है, कोई भी वेबसाइट पे आप सफ़र कर रहे हो, तो कोई ना कोई मीन्स के जितने उसके एडवांटेज है उतने ही उसके डिसएडवांटेज होते हैं। उसके लिए हमने पहले यूनिट में देखा था कि कौन कौन से टाइप के वायरस होते हैं और अटैकर किस किस अलग अलग टाइप के वायरस थ्रू हमारी सिस्टम पे या हम जो भी नेट वेबसाइट पे नेटवर्क थ्रू सफ़र कर रहे हैं वो उस थ्रू क्या करते हैं, अटैक करते। तो हर एक के लिए हर एक चीज़ का एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है। तो जब भी आप अपने फ़ोन, लैपटॉप, पीसी या यूज़ करते हो तो आप क्या करते हो कि सिक्योरिटी हर एक के लिए मींस के बहुत ज़रूरी है। तो हमने चैप्टर वन में हमने देखा था कि अवेबिलिटी, कन्फाइडिटी, इंटीग्रिटी, वो सब क्या थी, नेटवर्क सिक्योरिटी थी। ओके, यानी कि इसमें हमें देखना है कि कौन सी टाइप की सिक्योरिटी जो हम नेटवर्क थ्रू मींस के कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे वो इस लेक्चर में हमें देखना है। नेक्स्ट देखेंगे हम ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी सिलेबस। ओके, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी सिलेबस में हमें कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ने हैं। ये भी एक अटैकर थ्रू ही मींस के सिक्योरिटी होती है, फिर भी जो अटैकर होते हैं उस वो लोग वो किस थ्रू हमारी सिस्टम पे अटैक करते हैं वो देखना है। ठीक है, तो 2.1 में देखना है कि उसके अंदर कौन से टॉपिक आते हैं। तो उसके अंदर आते हैं पासवर्ड सिलेक्शन, पिगी बैंकिंग, शोल्डर सफरिंग, डंपस्टर डाइविंग, इंस्टॉलिंग अनऑथोराइजेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, एक्सेस बाय नॉन एम्प्लॉई। ओके, 2.2 में हम देखेंगे पीपल एज सिक्योरिटी टूल्स, यानी कि सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड इंडिविजुअल यूज़र रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2.3 में हम देखेंगे फिजिकल सिक्योरिटी, यानी कि एक्सेस कंट्रोल, बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट्स, हैंडप्रिंट्स, रेटिना पैटर्न्स, वॉइस पैटर्न्स, सिग्नेचर एंड राइटिंग पैटर्न्स, की स्ट्रोक, फिजिकल बैरिज। और 2.4 है, उसके अंदर हमें देखना है पासवर्ड मैनेजमेंट, विलनेबिलिटी और ऑफ पासवर्ड, पासवर्ड प्रोटेक्शन, पासवर्ड सिलेक्शन स्ट्रेटर्जी, कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड पासवर्ड। ओके, तो जिस तरह से ये जो 2.1 टू 2.4 टॉपिक है उसके अंदर जो अटैकर थ्रू जो अटैक होता है वो भी देखने वाले हैं, और उसके लिए हमें कौन सी सिक्योरिटी बेटर है हमारे लिए उसके बारे में भी हमें जानना है। तो सबसे पहले आता है तो स्टूडेंट, आज हम 2.1 यानी कि टोटल जो 2.1 में जितने भी टॉपिक है उसके अंदर कवर किए गए हैं वो देखने वाले हैं, और 2.2 है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम 2.1। इसके अंदर हम देखेंगे कि पासवर्ड सिलेक्शन, ओके, हाउ टू चूज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ओके, तो उसके अंदर हमें क्या कहते हैं कि पासवर्ड सिलेक्शन यानी कि जो होता है वो
उसका मीनिंग क्या है? तो आप सपोज गैस कर सकते हो कि जो भी मीन्स के जो पासवर्ड होता है वो हमें वीक नहीं रखना होता, स्ट्रॉन्ग रखना होता है। आपने जब भी देखा होगा कि आप अपने सिस्टम पे पासवर्ड लगाते हो तो उसकी लेंथ मिनिमम 8 to 10 कैरेक्टर की होनी चाहिए, 6 लेंथ का पासवर्ड नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और आपका पासवर्ड हो वो स्ट्रॉन्ग, यानी कि आप अपर केस, लोअर केस और अल्फाबेटिकल्स, न्यूमेरिकल वर्ड्स करके आप उसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हो, ठीक है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमें कैसे सिलेक्शन करना चाहिए। तो 6 स्टेप इन हाउ टू मेक अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट, यानी कि ये जो 6 पासवर्ड है उसके थ्रू हमें कैसे हम अपना पासवर्ड जो है, हमारा ईमेल का, हमारा फ़ोन का, यानी कि कोई भी चीज़ वस्तु में हम अपना पासवर्ड डालते हो, तो उसके लिए हम इस 6 स्टेप थ्रू जानेंगे कि कैसे हम अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आता है चूज अ परहेज विथ एटलीस्ट 8 वर्ड्स, यानी कि मैंने बोला कि एटलीस्ट आपके जो पासवर्ड की जो लेंथ है वो 8 वर्ड्स की होनी चाहिए, ओके। टेक द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, ओके। यानी कि आप जब भी अपना फर्स्ट वर्ड लेते हो तो वो दूसरे, जब सपोज कि आपने टी से शुरू किया है पासवर्ड, तो चाहे वो अपर केस में हो लोअर केस में हो, वो दूसरी बार यूज मीन्स के आप कर सकते हो। स्विच 1 और 2 एन अपर केस, यानी कि आप अपर केस में भी रख सकते हो, यानी कि आप सपोज के पहला डिजिट जो है वो अपर केस में रख सकते हो, सेकंड 2, 3, 4 है वो लोअर केस, फिर अपर केस, फिर लोअर केस, अपर केस, ऐसे करके आप जो 8 वर्ड का पासवर्ड जो देने वाले हो उसमें बोथ अपर केस एंड लोअर केस दोनों का आप यूज कर सकते हो। स्विच 1 to a नंबर, यानी कि आप जो वर्ड लिख रहे हो इसमें कोई भी डिजिट का यूज कर सकते हो। स्विच 1 to a स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि उसके अंदर आप जो भी स्पेशल कैरेक्टर आते हैं वो आप यूज कर सकते हो। एड समथिंग यूनिक फ्रॉम ईच साइट, यानी कि जब भी आप बैंकिंग में, फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप के, अपने मेल आईडी पे जब भी अपना पासवर्ड क्रिएट करते हो तो वो पासवर्ड जो आप क्रिएट करते हो 8 वर्ड्स का, वो अपर केस भी होना चाहिए, लोअर केस भी होना चाहिए, या स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ होना चाहिए, 1 डिजिट होना चाहिए, और जो भी आप वर्ड लेते हो वो 2 बार या 2 या 3 बार आप रिपीट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, वो आप अपर केस में रखना चाहते हो या लोअर केस में, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आइडिया जनरेट, ओके। यानी कि ये जो मैंने सपोज फॉर एग्जांपल थ्रू लिया है कि आप अब सोच रहे होंगे कि मैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में ऐसा कौन सा वर्ड होगा जिसे मैं अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमने लिया है 2 + 1 + 1 है, यानी कि 2 वर्ड आइडिया, 1 नंबर आइडिया एंड 3 कैपिटल लेटर, ओके। यानी कि उसके अंदर आप एनिमल हो, कलर हो, टीम का कोई ले सकते हो, कार का मॉडल का कोई नेम ले सकते हो, सेलिब्रिटी नाम ले सकते हो, फूड, गेम, हॉबी, टाइटल, मूवी, बुक, शो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, टाइटल में हम आप कुछ भी ले सकते हो। फर्स्ट नंबर यानी कि आप ईयर ले सकते हो, स्टैटिक, आरबी, आरबीआई, जेडीपी जो हमारा होता है, आरबीआई का जो नंबर होता है, कुछ भी लकी नंबर आप अपने ले सकते हो, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, रैंडम नंबर, आप अपनी एज थ्रू, ओके। और मोर इन अ एंडम स्पॉट, यानी कि कोई भी एक अंदर आप जो है वो कैपिटल वर्ड्स रख सकते हो, ओके। तो ये हुई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएशन। आप अब सोच रहे हो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की क्यों ज़रूरत होती है, तो आप सबको पता ही होता है कि
ये जो हम सब्जेक्ट है वो नेटवर्क सिक्योरिटी के रिलेटेड है, ठीक है, हमारे कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी के रिलेटेड है। तो जो हमने यूनिट 1 में देखा कि किस प्रकार से जो अटैकर है वो वायरस मीन्स के हमारे सिस्टम में ला के वो अटैक कर सकते, तो आपने देखा ही होगा कि कोई भी जगह पे आप जाते हो तो कोई ना कोई अटैकर 24 आवर्स हमारी नेट पे मीन्स के क्या करते ऑलरेडी वो वॉच रख रहे होते हैं। तो आप जो वीक पासवर्ड रखोगे तो आपको पता भी नहीं होगा वो, और वो गेस करके आपका जो वीक पासवर्ड है उसका यूज़ करके आपको पता भी नहीं होगा और आपका अकाउंट जो होता है वो यूज़ कर सकता है। इसलिए इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी में हमें देखना है कि जो जो सिक्योरिटी जो चैप्टर है सिक्योरिटी रिलेटेड, तो हम सबसे पहले जो पासवर्ड होता है सिक्योरिटी के, तो वो पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है उसके रिलेटेड हमने सीखा। और कॉमन पासवर्ड पैटर्न, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉमन पासवर्ड की पैटर्न क्या है, यानी कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए आप ऐसा कुछ रखो कि जैसे आप नेटवर्क मीन्स के कोई भी अकाउंट ओपनिंग के लिए सॉरी अकाउंट यूज़ करते हो और उसके अंदर अपना नंबर डालते हो, अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालते हो। तो सपोज आपके बीच पास में आपका फ्रेंड या फैमिली मेंबर बैठा है तो भी अपनी उंगलियों से जब अपना मीन्स के जो पासवर्ड है वो एंटर करते हो तो उसे भी याद ना रहे, ऐसा पासवर्ड रखना चाहिए। कॉमन पासवर्ड पैटर्न यानी कि कॉमन पासवर्ड आपको नहीं रखना है। सपोज़ कि कॉमन पासवर्ड में क्या क्या आता है तो आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल जब आप जीमेल में अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, एफबी पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, तो आपका नेम पूछा जाता है, मोबाइल नंबर पूछा जाता है, एज आपकी पूछी जाती है, आप उसमें सब कुछ ऐड कर सकते हो। ओके वो जो है वो पब्लिकली मीन्स के क्या होता है सर्वर पे वो सेव हो जाता है। और आपको पता है कि हमारी जो सिस्टम है उसके थ्रू हमारा जो भी डेटा हम डालते हैं वो लीक हो सकता है। तो ऐसा कोई भी कॉमन मीन्स के जो पासवर्ड है वो आपके अकाउंट के लिए नहीं रखना है, जैसे कि आपका मम्मी पापा का नाम हो, आपका पेट नेम हो, आपकी बर्थ डेट हो, फिर डे ऑफ वीक में आते हो, वेडिंग डेट हो, आपका चिल्ड्रन का नाम हो, वो कुछ भी जो कॉमन है जो आपके रिलेटेड जो आपने डेटा डाला है पेज क्रिएट करने में, ऐसा कुछ भी डेटा आपको पासवर्ड सिलेक्शन में नहीं डालना है, उसे कॉमन पासवर्ड बोलते हैं। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किसे बोलते हैं कि जिसके अंदर आप अपर केस लोअर केस स्पेशल कैरेक्टर है कोई डिजिट का यूज़ करते हो उस थ्रू आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हो, उसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पिगी बैंकिंग। ओके पिगी बैंकिंग क्या है? तो व्हाट इज पिगी बैंकिंग, उसका दूसरा नाम है टेल गेटी गेटी। उसके पिगी बैंकिंग को दूसरे नाम से टेल गेटी से भी जाना जाता है, ठीक है। तो पिगी बैंकिंग क्या है? तो पिगी बैंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो वो प्रोसेस को एक प्रोसेस में कन्वर्ट करता है। उसके अंदर उसके सेंडर है वो डेटा एंड एक्नॉलेजमेंट दोनों को एक साथ में रिसीवर को सेंड कर सकता है। इसके अंदर जो सेंडर है वो अपना डेटा एंड एक्नॉलेजमेंट यानी कि फ्रेम वो एक साथ में रिसीवर को सेंड कर सकता है। डेटा एंड एक्नॉलेजमेंट एक सिंगल फ्रेम में सेंड होता है इसलिए हम इसे पिगी बैंकिंग कहते हैं। यानी कि पिगी बैंकिंग क्या है कि दो अलग अलग प्रोसेस को एक प्रोसेस में कन्वर्ट करता है और जो सेंडर है वो रिसीवर को जो डेटा एंड एक्नॉलेजमेंट भेजना चाहता है वो एक ही फ्रेम में वो यानी कि एक ही बार में भेज सकता है, ठीक है, इसे हम पिगी बैंकिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल थ्रू हम जानते हैं कि सपोज के सेंडर सपोज ए है वो सेंडर है एंड बी है वो रिसीवर है। तो सेंडर क्या करेगा, अपना जो डेटा है वो रिसीव मीन्स के क्या करेगा रिसीवर को भेजना चाहता है। तो जो रिसीवर है वो क्या करेगा कि जब भी ए जो सेंडर ए थ्रू उसे डेटा मिला है वो फिर से सेंडर ए को रिसीवर जो है वो बी को भेजेगा,
ए है वो फिर से भेजेगा, बी है वो फिर से ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू मीन्स के कंटिन्यू ही रहती है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो नेटवर्क की जो बैंडविड्थ होती है वो ज़्यादा यूज होती है। तो उसे पिगी बैंकिंग क्यों बोला गया है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ऐसी टेक्निक है कि जो टेक्नोलॉजी की वायरलेस LAN की लोकल एरिया नेटवर्क वायरलेस कम्युनिकेशन है, जो एक ऐसी टेक्निक है कि जिसके थ्रू जो सेंडर है वो डेटा एंड अपना जो एक्नोलेजमेंट है दोनों ही साथ में मीन्स के वो रिसीवर को भेज सकता है, और रिसीवर जो है वो अपना जो डेटा है जो मिल गया है वो फिर से वो दोनों ही एक ही फ्रेम में डेटा एंड एक्नोलेजमेंट है वो सेंडर एक को भेज सकता है। जो अलग अलग प्रोसेस हम करते थे वो पिगी बैंकिंग थ्रू हम डेटा एंड हमारा जो एक्नोलेजमेंट है वो एक ही फ्रेम में हम सेंड कर सकते हैं। ओके, यानी कि सेंडर ए के थ्रू जो बी के पास डेटा जाता था तो वो बी क्या करता था कि मैसेज करके या फिर से मीन्स के मेल थ्रू उसे क्या बोल कहता था कि आपने जो डेटा भेजा है वो मुझे मिल गया है। ऐसे ही वो प्रोसेस चालू रहती थी। इसके थ्रू मीन्स के क्या होती थी, हमारी जो नेट की बैंडविड्थ थी वो ज़्यादा यूज़ होती थी। पर जो पिगी बैंकिंग है उसके थ्रू जो सेंडर है वो अपना डेटा एंड एक्नोलॉजमेंट है वो दोनों ही एक साथ में रिसीवर को भेज सकता है, और रिसीवर को पता चल सकता है कि ये जो फ्रेम आई है वो सेंडर ए ने एक ही साथ भेजी है। इसके थ्रू हम हमारी बैंडविड्थ है उसका ज़्यादातर यूज़ भी नहीं होता, उसे पिगी बैंकिंग बोलते हैं। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 डेटा है। ओके, तो 100 डेटा आप एक एक बार में भेजोगे और पूछोगे कि रिसीवर को कि आपको ये डेटा की फ्रेम मिल गई है, तो फिर क्या करेगा जो रिसीवर है फिर से सेंडर को करेगा कि मुझे मिल गई है। पर पिगी बैंकिंग एक ऐसी टेक्निक है कि जिसके थ्रू आपका जो 100 डेटा है वो एक साथ में आप एक ही फ्रेम में कन्वर्ट करके रिसीवर को भेज सकते हो, और रिसीवर बता सकता है कि आपने जो भी डेटा था जो 100 डेटा है वो मुझे एक साथ में एक ही फ्रेम में मिल गए हैं, उसे पिगी बैंकिंग कहते हैं। नेक्स्ट आएगा व्हाट इज शोल्डर सफरिंग। ओके, आप अब सोच रहे होंगे कि ये शोल्डर सफरिंग टेक्निक क्या है, तो एक ये आपको पिक थ्रू आइडिया आना चाहिए कि एक ये सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक है। तो इसमें क्या होता है, तो शोल्डर सफरिंग रिफर्स टू अ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन सच एज लुकिंग ओवर अ पर्सन शोल्डर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। ओके, जो आपके पीछे से इस पिक्चर को आप देख के हम समझते हैं। ठीक है, जो आपके पीछे से कोई आपको फॉलो करता है और आपकी हर एक मुंह पर नजर रखता है उसे हम शोल्डर सफरिंग कहते हैं। तो सपोज कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि ए टी एम कार्ड या क्रेडिट कार्ड। ओके, तो आप ATM और क्रेडिट कार्ड का यूज़ क्या कैसे करते हो, किस लिए करते हो। ओके, तो क्या किस लिए हम करते हैं, तो सिंपली हमारे पास ATM का नंबर है, क्रेडिट कार्ड का नंबर है, तो हम पैसा विड्रॉल करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, पर हम जब जाते हैं पैसे विड्रॉल करने के लिए तो आप जो होते हैं वो मेन विक्टम होते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि जब भी आप ATM के मशीन में मीन्स के मशीन का जो रूम होता है उसके अंदर जाते हो तो वो बाय चांस एक कैमरा उसके अंदर लगा रहता है, फिर आपके पीछे से कई सारे लोग होते हैं कि जो बाहर लाइन में पैसे विड्रॉ करने के लिए खड़े रहते हैं, और आप जो भी वो अपना पासवर्ड डालते हो पैसे विड्रॉल करने के लिए तो आपको पता नहीं है कि इसमें से हैकर कौन है, अटैकर कौन है। आप तो वैसे ही समझोगे कि सिंपल वो पीपल है कि जो पैसे विड्रॉल करने आए, पर ऐसा नहीं होता कि कौन है अटैकर है जो हम पे नज़र रख रहा है, और हमारे पीछे से जब हम जाएंगे तो उस पासवर्ड को वो फिर से डाल के हमारे
मीन्स के जो अकाउंट है उसमें से पैसा वो ले सकता है। इसे हम शोल्डर शफरिंग कहते हैं। कि आपने कई बार सुना होगा कि ऑटोमेटिकली अपने अकाउंट, मीन्स के अपने अकाउंट होते हैं उसमें से हमारे पैसे उठ जाते हैं जब भी हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग का मीन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, और जब हम ऑनलाइन जो पेमेंट करते हैं उसके थ्रू भी हमारा, आप कई बार देखते हो कि आपने एक बार में 500 या 1000 की शॉपिंग की है, तो उसी बार वो क्या होता है कि इतना ही मीन्स के आपके पैसे कट होते हैं अपने अकाउंट से, पर दूसरे दिन आपको मैसेज आता है कि अपने अकाउंट में से और दूसरे 10,000 रुपी उठ मीन्स के किसी ने ले लिए। तो वो किसके थ्रू होता है? वो हैकर थ्रू होता है। ये शोल्डर सफरिंग का मीनिंग ही ये है कि आपके पीछे आप पे कोई वॉच रख रहा है जिसे आपके हर एक मोमेंट पे आपकी नज़र होती है। आप कब कहाँ और क्या शॉपिंग कर रहे हो वो मीन्स के इसे शोल्डर सफरिंग कहते हैं। यानी कि इसलिए मैं हमने पहले ही सीखा कि हमारा जो पासवर्ड है वो स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं के वीक, क्योंकि 24 आवर्स जो हैकर होते हैं वो नेटवर्क का ही यानी कि नेटवर्क साइट पर वो कंटिन्यू वॉच रखे हुए होते हैं। तो जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, पैसे उठाते हो, तो वो क्या करते हैं, वीक होने की वजह से, अपना पासवर्ड वीक होने की वजह से वो आपके पीछे से आपका अकाउंट को क्लियर कर देते हैं। इसे शोल्डर सफरिंग कहते हैं। नेक्स्ट आएगा डंपस्टर डाइविंग। डंपस्टर डाइविंग का एक टेक्नोलॉजी की दुनिया में डंपस्टर ड्राइविंग एक इंफॉर्मेशन जानने के लिए एक टेक्निक है। इसे इंफॉर्मेशन की टेक्निक क्यों बोला गया है, हमारे इंफॉर्मेशन जानने के लिए कि क्यों टेक्निक बोला गया है? तो फॉर एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं हम, जब हम अपना पर्सनल जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, हमारा एटीएम आ क्रेडिट कार्ड नंबर का पासवर्ड है, हमारा मेल अकाउंट का पासवर्ड है, तो क्या होता है कि कई बार हम उसे भूल जाते, तो हम क्या करते हैं, तो उसे हम एक चिप में या कंप्यूटर में कोई कागज़ पे या कंप्यूटर में स्टिकी नोट पे हम लिख के रखते हैं ताकि हम उसे देख सके फिर से। ओके, यानी कि हमें पता हो कि जब भी हम वो चीज वस्तु भूल जाए तो हमें पता हो कि मैंने इसमें सेव करके रखे या कोई डायरी या कागज में लिख के रखी है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसे फिर से इस्तेमाल कर सकते हो। पर ये क्या होता है, डंपस्टर डाइविंग क्या होता है कि जब भी आप अपनी जो कोई पर्सनल चीज वस्तु कोई कागज पे लिखते हो और बाय चांस वो गलती से गिर जाती है, तो जो अटैकर होते हैं वो क्या करते हैं, उसे वो ढूंढ लेते हैं और आपके पास मीन्स के क्या करते हैं, उसे यूज़ करते हैं आपके पीछे से। इसे डंपस्टर डाइविंग बोलते हैं। सेकंड एग्जांपल मैं देती हूँ कि आपने अपना मोबाइल नंबर है या अकाउंट नंबर है, अपना पासवर्ड है, सपोज आप आपके फ्रेंड को देते हो, ओके, और बाद में आप क्या करते हो, उसकी छोटी छोटी जो चीज वस्तु है मीन्स कि उसे छोटे छोटे टुकड़े करके उसे आप डस्टबिन में फेंक देते हो। ओके, पर हैकर है वो सिर्फ नेटवर्क साइड पे भी नहीं, और पीपल जो हैकर लोग है वो पीपल ही है, जो अटैकर है वो हमारे जैसा पीपल ही है, वो कहीं भी गुम रह सकता है। ओके, तो वो क्या करता है कि जब भी आप ऐसे डस्टबिन में फेंक देते हो तो उसे छोटे छोटे टुकड़े को वो मिक्स करके मीन्स के क्या करता है, वो कलेक्ट करके उससे वो फिर से यूज कर सकता है, उसे डंपस्टर डाइविंग बोलते हैं। इसलिए डंपस्टर डाइविंग का मीनिंग ये है कि अपनी जो भी चीज वस्तु है मीन्स के पर्सनल नंबर है, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर है, पासवर्ड है, वो कागज में नहीं लिखना है और उसे छोटे छोटे टुकड़े करके हम डस्टबिन में नहीं डाल सकते, क्योंकि अटैकर उसे कलेक्ट करके फिर से वो यूज कर सकते हैं आपके नेम थ्रू। तो जब भी आप ऐसी चीज वस्तु को मीन्स के टुकड़े करते हो, उसे आप उसे फेंक देते हो, तो ऐसा नहीं करना है, उसे क्या करना है, डायरेक्टली
बंद करके उसे जला देना है, ठीक है, उसे डायरेक्टली जला देना है। तो उसे स्टेप है कि डंपशर ड्राइविंग एक कैसे कलेक्ट करता है कि सपोज़ आपने अपना फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड लिखा है कोई कागज में, वो क्या करता है एक्सेस कोड करता है, फिर क्या करता है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स, फिर क्या करता है कैलेंडर, नेटवर्क एप्लीकेशन डायग्राम, क्रेडिट कार्ड रिसिप्ट, एक्सपेंस रिपोर्ट, फोन नंबर, प्रिंटेड ईमेल्स एंड नेम्स, वो सबको वो इकट्ठा करके वो फिर से अपने नेम थ्रू मीन्स के यूज़ करता है। यानी कि ये जो भी चीज़ वस्तु है वो आपको एक सेफ जगह पे रखनी है और उसे फेंकनी नहीं है। अगर वो आप वो जो कागज़ है वो फेंकना चाहते हो तो उसे फेंकना नहीं है, डायरेक्टली जला देना है ताकि जो अटैकर है वो डंपस्टर ड्राइविंग थ्रू उसे हमारे नाम से यूज़ ना कर सके। नेक्स्ट आता है इंस्टॉलेशन अनऑथोराइजेशन हार्डवेयर एंड पासवर्ड। तो एक क्या है अनइंस्टॉलिंग अनऑथोराइजेशन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो एक ये जो है वो अटैकर थ्रू मीन्स के करते हैं कि जिसे हमें हमारे लैपटॉप में कोई पीसी हो, लैपटॉप हो, फ़ोन हो, उसमें हमारे अनचाहे यानी कि हमारी मर्जी से बिना वो बैकडोर थ्रू हमारी सिस्टम में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मीन्स के इंस्टॉल कर सकते हैं, उसे अनऑथोराइजेशन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट एक्सेस कंट्रोल बाय नॉन एम्प्लॉई, एक्सेस कंट्रोल बाय नॉन एम्प्लॉइंग क्या है, तो हमारे जो डेटा है उसके अंदर हमें ये सीखना है कि हमारे जो डेटा है रिसोर्सेस है उसे कोई अनऑथोराइज पर्सन न देख सके, वो एक सिक्योरिटी में एक टेक्निक है, उसे एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं। यानी कि हमारा जो डेटा है वो कोई दूसरा अनऑथोराइज जो पीपल है वो न देख सके, एक ऐसी सिक्योरिटी की टेक्निक है जिसे हम एक्सेस कंट्रोल बोल सकते हैं। उसके अंदर हमें देखना है कि फिजिकल एक्सेस बाय नॉन एम्प्लॉई, यानी कि ऐसा कंट्रोल प्रोवाइड करता है जिससे हम मीन्स के हमारी जो जगह हो मीन्स के जो डेटा है उसे हम सेफ रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल थ्रू हम जानते हैं कि कोई कॉलेज का कैंपस हो जिसमें जो नेटवर्क क्रिएट किया जाता है कि सपोज़ कि कोई कॉलेज हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई कंपनी हो, ओके, कोई आईटी कंपनी हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि नेटवर्क क्रिएट किया जाता है पर किस में, एक रूम नेटवर्क के लिए स्पेशल बनाया जाता है, ओके, जिसके जिसमें इसके थ्रू बहुत सारी सिस्टम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ओके, इसके थ्रू जो नेटवर्क है उसके थ्रू हम बहुत सारे मीन्स के हम सिस्टम कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो नेटवर्क को कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग या कैंपस हो जिसमें कौन कौन यूज़ कर सकता है ये लिमिट होती है, उसे हम फिजिकल एक्सेस प्रोवाइड करना बोलते हैं। यानी कि सपोज़ आप, मैं एग्जांपल देती हूँ कि कोई आईटी कंपनी हो उसके अंदर जो नेटवर्क क्रिएट कर दिया गया है उसके अंदर क्या होता है कि उसके थ्रू बहुत सारे सिस्टम कम्युनिकेट होते हैं, ओके, और ये जो सिस्टम कम्युनिकेट होता है जो अपना नेटवर्क होता है वो कौन सा मीन्स के ऑथोराइज पर्सन यूज़ कर सकता है उसकी एक लिमिट होती है। यानी कि आईटी में है तो आईटी का बिल्डिंग ही यूज़ करेगा, कोई दूसरा बिल्डिंग क्या ऑर्गेनाइजेशनल कोई कैंपस कॉलेज कैंपस स्कूल कैंपस यूज़ नहीं करेगा, अपने तक ही वो यूज़ कर सकता है, उसे हम फिजिकल एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। सो इसके अंदर हमने जाना कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यानी कि हम किस किस टाइप के हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कर रख सकते हैं, कॉमन पासवर्ड क्या है, शोल्डर सफरिंग क्या है, शोल्डर सफरिंग यानी कि आपके पीछे से आपकी हर एक मूवमेंट पर जो नज़र रख सकता है उसे हम शोल्डर सफरिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप जब भी आप एटीएम में से आप जाते हो पैसे विड्रॉल करने के लिए और आपने के जाने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति उसे आप
मीन्स के जो देख लेता है आप कौन से पिन पे आप नंबर डाल रहे, वो देख लेता है और आपके पीछे से वो पैसे उठा के चला जाता है। उसे शोल्डर सफरिंग कहते हैं। डम्पस्टर ड्राइविंग सीखा हमने, तो डम्पस्टर ड्राइविंग के अंदर क्या आएगा कि आप अपने पर्सनल जो चीज वस्तु आप लिख के रखते हो कागज में, और जब आप उसकी ज़रूरत नहीं होती तो आप उसे फाड़ के उसे फेंक देते हो, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप उसे डस्टबिन में फेंक देते हो। तो जो हैकर होते हैं, जो अटैकर होते हैं, उसे ढूंढ निकलते हैं और उसे जो जो चिप मिलती है वो इकट्ठा करके वो अपने नाम से, आपके नाम से वो फिर से यूज़ कर सकते हैं। उसे डम्पस्टर ड्राइविंग बोलते हैं। फिर हमने देखा कि अनइंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर एंड अन हार्डवेयर, यानी कि हमारी मर्जी के बिना हमारी सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बैकडोर थ्रू मीन्स के कोई इंस्टॉलेशन कर देता है, उसे हम अन ऑथोराइज इंस्टॉलिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कहेंगे। फिर हमने देखा कि एक्सेस कंट्रोल क्या है कि जो हमारी पर्सनल जो डेटा है उसे कोई अनऑथोराइज सिक्योर मीन्स के पर्सन न देख सके, उसके लिए एक सिक्योरिटी होती है, उसे हम एक्सेस कंट्रोल बाय नॉन एम्प्लॉय बोलते हैं। और उसके अंदर हमने देखा कि फिजिकल एक्सेस बाय नॉन एम्प्लॉय, तो क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी में कोई नेटवर्क मीन्स के क्रिएट किया जाता है उसके अंदर कौन कौन से लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि कौन से सिस्टम कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसका यूज़ कौन कौन लोग कर सकते हैं, उसकी एक लिमिट होती है, उसे हम फिजिकल एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा जो 2.1 है टॉपिक का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक 2.2 है, हम वो दूसरे लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। जय स्वामीनारायण।